नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूं, जो कि पहले श्राद्ध पर आपको करना है। किसी भी प्रकार का दोष है आप पर कर्जा है, आपकी संतान नहीं हो रही, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो इस उपाय को करें। आपके सभी दोष दूर होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में परिवार के सदस्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। तो पहले श्राद्ध के दिन आपको इस उपाय को करना है, संध्या के समय आपको इसे करना है। इस दीपक को बनाने की विधि और जलाने के बारे में बताने से पहले मैं आप सब भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कर्जा है, संतान नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, या शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल करके अपनी प्रॉब्लम का निवारण ले सकते हैं। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। नीचे दिए नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि भगवान की पूजा से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो समझिए देवता भी प्रसन्न हो गए। हिंदू शास्त्र के अनुसार अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो उनका तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज इस दौरान जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। ऐसा माना जाता है यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण ना किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जिस कारण उनकी आत्माएं मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं, जिससे पितृदोष लग जाता है। ज्योतिष अनुसार पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की तरक्की में बाधा उत्पन्न होने लगती है, घर में हमेशा कलेश रहने लगता है, हर काम में रुकावट आने लगती है, और यहाँ तक कि कई लोगों को संतान भी नहीं होती। कुछ भी हो सकता है, पितृदोष बहुत ही अनकंडीशनल होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसा दीपक बताने जा रही हूँ, बस आपको संध्या के समय पहले श्राद्ध पर इसको जला देना है। आपके हर प्रकार के दोष दूर होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगे, पितर आपके प्रसन्न होंगे और आपके काम अपने आप ही बनने लगेंगे। इसको तैयार करने के लिए हमें कुल चाहिए 9 चीज़ें, जिससे कि हमारे 9 ग्रह शांत होते हैं। पहली चीज़ हरे मूंग की दाल, दूसरी चीज़ काले उड़द की दाल, साबुत काले उड़द की दाल, तीसरी चने की दाल, ये मैंने जौ लिए हैं, ये सफ़ेद तिल हैं, ये काले तिल हैं, और ये अरहर की दाल है, ये कुछ चावल हैं, और ये हमारी उड़द धुली दाल है। ये चीज़ें आपको ले लेनी है, ये 9 की 9 चीज़ें आपको लेनी है, जिससे कि हमारे 9 ग्रहों से कनेक्टेड है, 9 ग्रह हमारे जिससे शांत होते हैं। इससे मैं आपको एक दीपक तैयार करना अभी बताऊंगी, कैसे तैयार करना है, उसको संध्या के समय जलाना है। इसे जलाने से आप पर जो कर्जा है, आपकी जो जितनी भी लाइफ में दिक्कतें आपको आ रही हैं, वो सब खत्म होंगी। मात्र इस दीपक को पहले श्राद्ध वाले दिन आपको जलाना है। आइए इसकी बनाने की विधि देखते हैं और जानते हैं इसको किस तरीके से तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए और बाकी 9 की 9 चीज़ें थोड़ी थोड़ी सारी इसमें डाल दीजिए। चने की दाल, काले उड़द की साबुत दाल, ये सभी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दीजिए। हमारे 9 के 9 ग्रहों को उच्च करती है, शुभ करती है और उनकी चाल को सीधा करती है। इस उपाय को करने से हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। ये आसान सा दीपक है, आप घर पर ही इसे तैयार करके जला सकते हैं। ये 9 की 9 चीज़ें ऐड करके आपको इसके बाद आटा मलना है। इन सभी चीज़ों को मिला दीजिए और इस काम को खुद करें, काम वाली से नहीं करवाएं, खुद बनाएं इस दीपक को। नहा धोकर, हाथ धोकर शाम को आपने जलाना है तो आप दोपहर में बना सकते हैं या आधा घंटा पहले भी बना सकते हैं, लेकिन खुद तैयार करें और आटा मल लीजिए। इसमें कोई वहम वाली बात नहीं है, अगर आपको मेंसेस भी आए हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप वहम करते हैं तो आप अपनी बेटी, बहू, बहन,
किसी से भी करवा सकते हैं, अपने पति से भी करवा सकते हैं। ऐसे आटा मल लीजिए और आटा मल के उसका दीपक तैयार कर लीजिए। जिनको दीपक नहीं तैयार करना आता, वो कटोरी ले लीजिए, उसमें रखकर आटे को दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक तैयार करना बहुत आसान है। इस तरीके से आप जैसा भी आपको आता है आप दीपक तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपने इसका दीपक तैयार कर लेना है और इसमें आपको अब डालना है देसी घी। देसी घी से इसको भरना है और वो देसी घी गाय का ही होना चाहिए, वो भैंस का नहीं होना चाहिए, उससे हमारी शनि की दशा खराब होती है। हमेशा देसी घी गाय का होना चाहिए। इसमें अब हम लगाएंगे 5 बातियाँ। मैंने रेडीमेड वाली बातियाँ ली हैं, आप घर पर भी बना सकते हैं। मैंने रेडीमेड वाली जो बाज़ार से मिलती हैं वो ली हैं। वो 5 रख लीजिए आप, 5 रखनी है आपको, गिनकर 5 रख दीजिए और इसके ऊपर देसी घी डालना है आपको गाय का, ठीक है। इसको करना है आपको जब 2 टाइम मिलते हैं शाम को, उस समय इस उपाय को करना है। 5 बत्तियाँ रखने के बाद इसके ऊपर आप गाय का देसी घी डाल दीजिए और इसको जलाकर अपने दरवाजे पर, बाहर जो हमारा मेन डोर होता है उसके अंदर की तरफ रख दीजिए, अंदर की तरफ रख दीजिए इस दीपक को मेन डोर पर, और इसको आप पूरी रात जलने दीजिए। जल जाए या शांत हो जाए, इसको पूरी रात जगने दीजिए और फिर अगले दिन सुबह किसी भी आसपास मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी मंदिर में इसको रखाइए। बस इतना सा उपाय है, ये बहुत आसान सा है, आप इसे ज़रूर करें। पहले श्राद्ध पर करें इसे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करें और अपनी प्रॉब्लम से निवारण पा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कुंडली से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय।